कितनी तैयारियां करनी पड़ेंगी? मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2017 विनर टाइटल जीतना अपने आप में ही एक पड़ाव था. बहुत मुश्किल जर्नी थी. मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2017 टाइटल जीतना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. ये आसानी से नहीं पाई जाती है. इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. आप बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के साथ होते हो जो अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं. और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ एंड आई वॉज़ वेरी फैसिनेटेड बाई दिस लाइन. मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी इस लाइन से और हमेशा से जाना चाहती थी. मैंने मिस इंडिया तो नहीं जीता बट अपने कॉलेज में मिस खालसा एंड मिस VTI के टाइटल जीत चुकी थी. देन आई रियलाइज दैट यू नो आफ्टर मैरिज द जर्नी नेवर एंड्स. शादी के बाद आप कुछ और नहीं बन जाते हैं, आप वही रहते हैं जो आप हैं. तो ये रियलाइजेशन जब मेरे पास आई और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो तुषार तारीवाल जी और अर्चना जी ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे, ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसे मैंने ग्रैब किया और आगे बढ़ी. आगे जाके वहाँ पे बहुत कुछ सीखा. जो मैं गई थी वो मैं वापस नहीं आई क्योंकि जो उनकी ट्रेनिंग थी वो बहुत उम्दा थी. उन्होंने हमें चलना सिखाया रैंप पे, उन्होंने हमें बात करना सिखाया, द वे वी आंसर्ड द क्वेश्चंस, द वे वी वी फेसिंग द कैमराज एंड एवरीथिंग. सो इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी. टीचर की अलग एक होती है और ये ग्लैमर कैसे दोनों में डिफरेंट किया आप ऐसे? बिल्कुल सही कहा आपकी टीम के एक इंसान ने कि स्टूडेंट सच्ची में खुश रहते हैं. जब मैं ये जीत कर आई तो मेरे बच्चों ने एक बहुत सुंदर सी पिक्चर बनाई जिसमें एक ग्लोब है और बीच में एक टीचर खड़ी है, वो मैं हूँ. एंड दे सेड मिसेस इंडिया यूनिवर्स यू आर बैक एंड यू आर आर टीचर. And this is how I was feeling damn good and I was feeling top of the world that you know मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं. और ये बहुत अच्छी एक फीलिंग थी जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्यार दिया. और जो आप डिफरेंस कह रहे हैं एक टीचर और एक ग्लैमरस लाइन, ये बहुत अलग लाइन्स हैं, नो डाउट अबाउट इट. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू थिंक अबाउट वन थिंग कि एक टीचर की खूबसूरती ही इस चीज़ को आगे ले जाती है. एक टीचर में वो पेशेंस होना चाहिए, वो कंपैशन होना चाहिए, वो स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे जो कि छोटे छोटे बच्चों के दिल जीतती है. और उसी स्माइल, उसी खूबसूरती से मैंने सबका दिल जीता और ये क्राउन आज मेरे सर पे सजा हुआ है. नाउ नेक्स्ट वन, अगला कदम क्या होगा आपका, टीचर्स या फिर ग्लैमर? मैं टीचिंग नहीं छोड़ना चाहती बट इस टाइटल को मैं पूरी रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ और मैं दे रही हूँ. मैं NGOs के साथ जुड़ी हुई हूँ. मुझे चाइल्ड अब्यूज़ बहुत तंग करता है, बचपन से करता है. और मैं इसके लिए बहुत कुछ करती हूँ. मैं लोगों को एजुकेट करती हूँ, मैं NGOs में जाके बच्चों से बातें करती हूँ, मैं ऐसी किसी के भी घर में जाकर भी बातें करती हूँ. जब भी मुझे लगता है कि कोई बच्चा इस चीज़ से परेशान हो रहा है तो वो परेशानी मैं खुद फील कर पाती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ अपनी रियल टाइम स्टोरी शेयर करी है. और वो सोच के भी मेरे गूज़बम्स उठ जाते हैं. तो मैं इस लाइन में और इस जगह में और इन बच्चों के साथ जुड़ना चाहती हूँ और उनकी हेल्प करना चाहती हूँ.